हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल द नॉलेज स्कूप। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि टोटली डिपेंडेंट अपॉन BHU BSE बायोलॉजी ग्रुप, मतलब BHU BSE एग्रीकल्चर नहीं लेकिन बायोलॉजी ग्रुप का 2019 का पेपर। तो 2019 का पेपर मैं अपलोड करने के बाद 2018, 2017, 2016 से लेकर के 2011, मतलब मेरा एक ही मतलब दिमाग में चीज़ें हैं कि 2011 से लेकर 2019 तक के पेपर आपको दे दी जाएँ ताकि हम आप लॉकडाउन में लॉकडाउन के दौरान आप अपनी पढ़ाई कर सको। और पूरी पेपर अपलोड करने के बाद एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, तो आपका टाइम ना ज़्यादा ख़राब करके मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और मैं आपसे बता दूँ कि मैं आपको डायरेक्ट ऐसे ही वीडियो दिखाऊँगा, और ये बुक हर जगह मिलती नहीं है, इसलिए मैंने ये बुक लॉकडाउन में उठाया है आपकी मदद करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आपको मैं दिखा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मैं आपको इधर दिखाता हूँ और कुछ बातें बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में। आपको अच्छे से विजुअल होगा अगर आप अपने वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके इसको देखेंगे तो। और जहाँ तक बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन का लेवल BHU का ऐसा होता है कि जो आप पेपर आप अपने सामने देख रहे हैं अगर वो आप पढ़ के जाते हैं तो। इस पेपर के सेक्शन में तीन सेक्शन होते हैं पेपर में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप जस्ट सिमिलर टू होगा वो, मतलब BHU एग्रीकल्चर का वो जो लेवल होता है क्वेश्चन पूछने का, वो बायोलॉजी बायो का भी लेवल होता है। और जो बायोलॉजी और जो BSE मैथ होता है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है और मैथमेटिक्स आता है बायोलॉजी ना पूछ करके, एक बायोलॉजी होता है ग्रुप और एक मैथ होता है ग्रुप। तो मैथ के ग्रुप में मैथ पूछा जाता है, बायोलॉजी ग्रुप में बायोलॉजी। तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा गया है और मैथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 तक आप लोगों ने देख लिया है, अब आगे बढ़ाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 68 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक देखिएगा, इसमें तीन सेक्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सब में 50-50 क्वेश्चन है और टोटल मिलाकर 450 नंबर का, मतलब 150 क्वेश्चन इंटू 3 इक्वल टू 1450 मार्क्स। तो 450 नंबर के क्वेश्चन हैं और आपको करने हैं 2.5 घंटे में। तो आप इसको कैसे तैयार करेंगे, कैसे करेंगे, ये स्ट्रेटजी और प्लान आपको इस वीडियो में जितना मैं बता सकता हूँ उतना मैं बताऊँगा। बाकी अगला मैं वीडियो बनाऊँगा 2018 का, तो शायद उसमें और भी ज़्यादा कुछ इम्प्रूव मैं कर सकूँ। अगर आपको कोई भी क्यूरी होगी तो हमसे ऑनलाइन चैट के द्वारा पूछ सकते हैं, और कुछ फ़ोन नंबर मैसेज वैसेज भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा जैसा हेल्प आप चाहते हैं वैसी हेल्प आपकी की जाएगी, तो आप उससे बिल्कुल ही चिंता ना करें। ये रहा आपका, मैंने 2-3 मिनट में पूरा पेपर आपको दिखा दिया, सब कमाल है कैमरे का, अच्छा कैमरा चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो विभिन्न विभिन्न मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में आपके हेल्प कर देंगे। कैसे हेल्प कर देंगे, ये 2019 के ही सिर्फ नहीं, अगर आप बायोलॉजी ग्रुप का पढ़ रहे हो मैथ, इसका मैथ फिजिक्स मतलब इसमें बायोलॉजी ग्रुप में जो फिजिक्स पूछा जाता है वो फिजिक्स आप शायद आपका एग्रीकल्चर में काम देते। ये फिजिक्स और ये जो केमिस्ट्री का जो लेवल होता है, बायोलॉजी का लेवल होता है जो इस सेक्शन में पूछे जाते हैं, वो लगभग नीट का लेवल होता है, ठीक है। ये आप इसका ध्यान रखिएगा और रिपीटेड क्वेश्चन का हमेशा ध्यान रखिएगा और फोकस करिएगा उस क्वेश्चन पे। सो ओल्ड पेपर अगर आप फोकस कर रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन पे, अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन बार बार जानना चाहते हैं कि कितने क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए ओल्ड पेपर पे जाना ज़रूरी है। ओल्ड पेपर अगर आप 10 साल के लिए 10 साल का पढ़ रहे हो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन रिपीट किए हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं किए हैं। तो ये मैंने आपके सामने दिखा दिया पूरा पेपर कुछ ही मिनट में, और अगर आप वीडियो को क्लियरली देखोगे, वीडियो का वो बढ़ा करके क्लियरिटी बढ़ा करके, तो आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी मेहनत को ज़रूर लाइक करिएगा इस वीडियो को। और अगर आपको अगले इस 10 साल का पेपर चाहिए BHU BSE बायोलॉजी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं ख़ास आपको एक बात बता दूँ कि मैं ICAR का और BHU BSE एग्रीकल्चर का ऐसे ही पूरा पेपर 10 साल, 10-10 साल का, 5-5 साल का सब अपलोड कर दिया हूँ, वो भी सेक्शन अलग अलग कर करके। तो आप उससे जा कर के अपने पढ़ाई में मदद मिल सकती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ाई करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद बोल देता हूँ। सो आप पढ़ो, आगे बढ़ो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप लोग उठाइए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जल्दी किसी को नहीं मिलती। सो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में 2018 के BHU BSE बायोलॉजी। ये था 2019 का, अब हम लोग बनाएंगे, डायरेक्ट आएंगे 2018 वाले पे। और 2018 ये रहा।
तो मिलते हैं आपको 2018 के BHU BSc बायोलॉजी ग्रुप के पेपर में। सो अभी तक के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन।